नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय मलिष्का और नीलम लगातार लक्ष्मी से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शादी करके विक्रांत के साथ चले जाओ और इस घर की तरफ को दोबारा मुड़ के भी मत देखना। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी इस समय खाली ऋषि को ही याद करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस समय लक्ष्मी बोल रही है कि इस घर में जितना ख्याल ऋषि तुमने मेरा रखा था, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे एक नहीं बल्कि कितने एहसान हैं मेरे ऊपर। अगर मैं चाहूँ तो भी इन एहसानों को उतार नहीं सकती। दोस्तों ये एक रियलिटी है, बहुत बड़ा सच है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई रूपों में बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि आखिरकार अब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि जो होने जा रहा है वो बेहद ही ज़्यादा अलग है। और ये एक अगर बोला जाए तो इस समय सोची समझी साजिश होती हुई नज़र आने वाली है विक्रांत की, क्योंकि वो अपने गुंडे ऋषि को पिटवाने वाला है अपने गुंडों से, क्योंकि विक्रांत बोलता हुआ नज़र आएगा अपने गुंडों से कि ऋषि को किसी भी तरीका से शादी में प्रवेश नहीं होने देना, यानी शादी तक ना पहुँच पाए इस तरह का की कोशिश करना। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में दिलचस्प नहीं बल्कि एक और बहुत बड़ी कहानी देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली है। सभी लोग हैरान नहीं बल्कि समय सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और परेशानी का एक तो नहीं बल्कि समय कई और भी सबक देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि कब क्या कैसे और क्यों होना है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर लक्ष्मी को सिर्फ इतना पता है कि ऋषि वाकई में दिल का सबसे अच्छा लड़का है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है।